बताया था हमेशा किसी भी लॉन्ग बोन की कॉडल साइड अपनी साइड पर रखनी है और उसके जो जनरल फीचर्स हैं जो लेटरल साइड होते हैं उनसे पता कर लेना है कि कौन सी साइड की बोन। हमें इतना पता है ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है ये लेटरल साइड की तरफ होता है और उसके बाद डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी भी होती है क्रीनियल साइड पर लेकिन लेटरल को बेंड हुई होती है। उसके बाद हमारे पास टीरियस मेजर जो होती है मिडिल साइड पे होती है, इस तरह हमें पता चल जाएगा दूसरी साइड जो है वो हमारे पास लेटरल साइड और लेटरल साइड का नीचे वाला जो कंडाइल होता है अंदर को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड होता है, ये कंडाइल के साथ होती है जगह नहीं नहीं ये कैप्सूल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास लेटरल साइड की बोन है। कैसे पता चल रहा है? ये हमारे पास लेटरल साइड पे है, ये मतलब राइट साइड की बोन है लेटरल साइड पे है। उसके बाद हमारे पास जो ये उससे पता चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फीचर्स देखते हैं, कॉडल साइड हेड होता है, लेटरल साइड पे हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल और मीडियल साइड पे हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होता है और क्रेनली हमारे पास इंटर ट्यूबरकल ग्रुप होती है जो इन दोनों ट्यूबरकल्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। ये हमारे पास एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इंफ्रास्पाइनेटस मसल के अटैचमेंट के नीचे बिल्कुल ये जो चीज़ है ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी अटैचेस विद टीरिस माइनर ट्यूबरोसिटी विद ट्राइसिपिटल लाइन। ये टीरिस मेजर के बिल्कुल दूसरी साइड पे, ये लेटरली साइड पे है, मिडिली साइड पे हमारे पास टीरिस मेजर ट्यूबरोसिटी होगी। ये हमारे पास जो ये चीज़ ग्रुप बन रही है इसे हमें कहना मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास न्यूट्रल फोरामेन आ रहा है, ये हमारे पास कॉर्डल सरफेस पे ही हमारे पास पॉलीग्रेमियन फोसा है और हमारे पास क्रेनियली सरफेस है और रेडियल फोसा हम कह सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास चेयर आ रहा है इसे हम ट्रॉकलिया कहेंगे और ये जो रिज लाइक बन रहा है इसे हम कॉकलिया कहेंगे। अब हम इन दोनों बोन के डिफरेंस करेंगे, ये हमारे पास बोवाइंस की है, ये हमारे पास इक्वाइंस की है। सबसे पहले इनका डिफरेंस ये आता है जो ग्रेटर टू वर्कर होता है बोवाइंस में ये हायर होता है तकरीबन 1 मीटर कह लो हायर होता है थोड़ा सा फ्राम द हेड और जो हमारे पास इक्वाइंस में है एट द लेवल ऑफ हेड, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो होता है इंटर ट्यूबरकल ग्रूव जो होती है ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल को डिफरेंशिएट करती है लेकिन इसमें दो इंटर ट्यूबरकल ग्रूव बन रही है और इससे ये रिज बनता है, यानी दोनों को आपस में ये रिज मिला रहा है और दोनों के दरमियान इंटर ट्यूबरकल ग्रूव दो है, ये एक इंटर ट्यूबरकल ग्रूव और सेकेंड इंटर ट्यूबरकल ग्रूव। उसके बाद आ जाता है इसमें एरिया फॉर द अटैचमेंट ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ये देखें आपको साफ पता चल रहा है ओवल शेप है अंडे की शक्ल और इसमें ये ट्राइंगुलर शेप है ये बन रहा है। और उसके बाद ये इसका टीरिस मेजर टीरिस माइनर ट्यूबरोसिटी है, ये माइनर सी नज़र आ रही है इन केस ऑफ इक्वाइन और ट्राइसिपिटल लाइन भी इतनी ही प्रोमिनेंट नहीं है और इसमें ये बोवाइंस का जो है इसमें प्रोमिनेंट है, ठीक हो गया। इसमें टीरिस माइनर मेजर ट्यूबरोसिटी भी बोवाइंस में प्रोमिनेंट है तो इक्वाइंस में ये प्रोमिनेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप, ये इन केस ऑफ इक्वाइन ना ये देखें बिल्कुल ये ज़्यादा डीप है और इन केस ऑफ बोवाइन ये लेस डीप है, इतनी ज़्यादा मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव डीप नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और फोसा जो आता है, फोसा आप खुद ही देखें इन केस ऑफ बोवाइंस फोसा डीप होता है और लेकिन इन फोसा भी और रेडियल फोसा भी जो आ गया इसमें इन शेल होता है थोड़ा सा, बस यही हमारे पास इसके जनरल फीचर्स हैं। लेंथ अगर आपके पास कोई छोटे जानवर की एक बोन दे दे एक बड़े जानवर की दे दे तो इक्वली आ जाएगी। वैसे हॉर्स की थोड़ी सी बोन बड़ी होती है, हॉर्स ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन कोई छोटा हॉर्स आ जाए हमें पता नहीं चलेगा, वो इतना मेजर डिफरेंस है। डॉग की हमारे पास ह्यूमरस में सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये इनका जो पॉलीग्रेनल और रेडियल फोसा है ये आपस में एक फोरामेना के साथ जो मिल जाता है, इसमें मेरा नाम ही ज़हन में है लेकिन यही डिफरेंस है, ठीक है। इस फोरामेना को सुपरा ट्रॉकलियर फोरामेना कहते हैं, पॉलीग्रेनल फोसा और रेडियल फोसा आपस में कनेक्ट करता है सुपरा ट्रॉकलियर फोसा।